मायापुर थाना अंतर्गत ग्राम रूपेपुर तराहे पर गुरुवार दोपहर एक किसान की कटी हुई गेहूं की फसल और पास में रखे ट्रैक्टर और थ्रेशर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसके कारण किसान को लाखों का नुकसान हो गया। घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। रूपेपुर तराहे के पास स्थित प्राण सिंह निवासी ग्राम पड़ोरा के खेत में आगजनी की घटना हुई, जिसमें करीब 7 से 8 बीघा की कटी हुई गेहूं की फसल रखी हुई थी, जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसके कारण गेहूं जलकर राख हो गया। सूचना देने पर भी दमकल मौके पर नहीं पहुंचे और घंटों के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची, जब तक किसानों ने आग पर काबू पा लिया था। आगजनी की सूचना पटवारी को भी दी गई कि मौका मुआयना करके हितग्राही को मुआवजे की सहायता राशि सरकार से मिल सके, पर पटवारी साहब मौके पर पहुंचे ही नहीं। बार बार पटवारी साहब को फोन लगाया गया, पर पटवारी साहब मौके पर नहीं आए। पटवारी साहब का रवैया बहुत ही निंदनीय रहा। शिवपुरी जिले में गर्मी बढ़ने के साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी और प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने से फसल को नुकसान हो रहा है। फास्ट समाचार के लिए खनियादाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। दादा आपका प्राण सिंह, आपकी रखी फसल में आग लग गई है, किस कारण से लगी है? भाई साहब कोई ये नहीं बता सकते, हम ट्रैक्टर लगा रहे थे, हम तो सब लोग यहाँ आ गए लेके, और जब तक ट्रैक्टर लगाता ही एकदम से अचानक आग लगी। कितनी फसल में आग लगी, कितनी बीघा की में? लगभग 7-8 बीघा। अभी तक मौके पर कोई पटवारी या कोई आलाधिकारी आया है? अभी कोई नहीं आया, के लिए जब गाड़ी बुझाने वाली पानी थाने से अंदर होगा जी साहब आ गए। अच्छा, आपके ट्रैक्टर में भी आग लगी है? ट्रैक्टर में कितना नुकसान हुआ है? ट्रैक्टर थ्रेसर के एक साइड के टाच जल गए और वो हाँ वो वायरिंग बोनट वो तो बहुत नुकसान ट्रैक्टर में होगा, टार मार गल गए जल गए सब, वो तो ट्रैक्टर भी जल गए। सरकार से क्या मदद चाहते हो आप? अब जो सरकार से मदद तो ट्रैक्टर से दज जाए जो फसल की हमारी, हाँ जो बाल बच्चन के लाने पालन पोषण के लाने वो फसल की वो मिल जाए।